हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को जय हिंद। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले अपन बात कर चुके हैं फिजिक्स का सिलेबस और मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो दोस्तों, पिछले वीडियो जो मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स का सिलेबस, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि सिलेबस के रिगार्डिंग जो है ये लास्ट वीडियो है। बट दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट का जो है कमेंट आया कि सर जो है आप एक बार केमिस्ट्री का सिलेबस और बता दीजिए। तो दोस्तों, इसलिए मैंने आपके लिए लास्ट वीडियो दोस्तों जो है बना रहा हूँ सिलेबस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, सिलेबस के रिगार्डिंग जो है अभी जो है आपके का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बताने वाला हूँ, उसके बाद जो है दोस्तों फिजिक्स का एक बार दोबारा जो है मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दोस्तों जो है आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस देखने के बाद। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जैसा मुझे एक्सपीरियंस है दोस्तों, जितना नॉलेज है दोस्तों, मैंने आपको जो है बेस्ट ही टॉपिक बताए हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे नहीं लगते हैं तो है दोस्तों जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आपके पास कोई बेस्ट बुक है, या आप कहीं इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों वहाँ से जो है आप अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो है यही टॉपिक बेस्ट हैं, बाकी दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी से जो है आप अपने टॉपिक पढ़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन इसमें बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। दोस्तों अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। दोस्तों पहला टॉपिक जो है थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों मैं आपको ये इंग्लिश में बता रहा हूँ और कई कई जो टॉपिक जो है मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप गूगल करके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया है थर्मोडायनेमिक्स। अगला टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का जो है वर्गीकरण। अगला टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, या दोस्तों अगला जो है कार्बोजिलिक अम्ल, यानी कार्बो जैलिक अम्ल एसिड, यानी कार्बोजिलिक एसिड। अगला टॉपिक है बायो मोलिकुल्स, जीवाणु। अगला टॉपिक है दोस्तों हाइड्रोकार्बन्स। दोस्तों हाइड्रोकार्बन से जो है एसएसबी एएसआई कम्युनिकेशन के अंदर जो है एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगला टॉपिक है फिनोल्स, एल्कोहल, कीटोन, हेलोएल्किन, एल्डिहाइड और मोलिकुलर स्ट्रक्चर, यानी आणविक संरचना। दोस्तों अगला टॉपिक है केमिकल बाउंडिंग, यानी रासायनिक आबंध। उसके बाद जो है 14 नंबर का टॉपिक जो है जनरल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ ऑटम, और 16 नंबर का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पीरियोडिसिटी। अगला टॉपिक है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन भी जो है आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो सकती है। दोस्तों एसएसबी एएसआई कम्युनिकेशन का जो पिछले साल का पेपर आया था केमिस्ट्री का, उसके अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन से भी रिलेटेड आया था। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि एएसआई कम्युनिकेशन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है फिजिक्स पूछा जाता है। तो दोस्तों मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको हेड कांस्टेबल के अंदर भी ये बात बोल दिया था, बट दोस्तों उसके लिए सॉरी। दोस्तों उस टाइम जो है मेरे पास एसएसबी हेड कांस्टेबल का जो है पेपर नहीं था। तो दोस्तों पेपर मिलने के बाद जो है टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर पिछली बार जो पूछा गया था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ 40 नंबर का जो है आपका मैथमेटिक्स आने वाला है, और 40 नंबर का जो है आपका फिजिक्स आने वाला है, और 20 नंबर का केमिस्ट्री। तो दोस्तों ये जो है पिछली रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस है। बाकी दोस्तों जो है कोई सा भी सब्जेक्ट जो है आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, वो डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों अगला टॉपिक जो है आपका सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, दोस्तों ये आपने पढ़ लिए थे। अगला है दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स, और अगला है स्टेट ऑफ मैटर,
सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन, अगला है प्रोसेसन ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, अगला टॉपिक जो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में जो है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और अगला टॉपिक है पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इथर, हाइड्रोजन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कली एंड एल्कलाइन, अर्थ मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और अगला टॉपिक है दोस्तों इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, दोस्तों जो पर्यावरण से संबंधित जो केमिस्ट्री दोस्तों वो भी जो आपको एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है एमीन्स, और दोस्तों लास्ट टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो दोस्तों इसके अंदर भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों मेडिसिन से रिलेटेड, दोस्तों पिछली बार एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के अंदर दोस्तों एक टॉप मेडिसिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसके अंदर दिया हुआ था शायद ऑक्सीटोसिन वैक्सीन, यानी ऑक्सीटोसिन वैक्सीन के बारे में जो है आपसे पूछा गया था, तो दोस्तों आपको जो है मेडिसिन भी कुछ मेडिसिन भी आपको रीड कर लेना है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो है ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया है केमिस्ट्री का, अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे फिजिक्स का सिलेबस इंग्लिश मीडियम के अंदर, दोस्तों पहला टॉपिक जो है जनरल फिजिक्स के अंदर जो है यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स, अगला है स्केलर एंड वेक्टर यूनिट, वन डायरेक्शन मोशन, मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रैक्शन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, अगला है टॉपिक कोलिशन एंड टक्कर, अगला है दोस्तों रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्टेरियल, अगला है ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, फ्लड प्रेशर, अगला टॉपिक है वेस्कोसिटी एज फॉलो ऑफ फ्लड, अगला टॉपिक है सरफेस टेंशन और ऑक्सीलेशंस, दोस्तों अगला जो है हीट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, क्लोरोमेट्री, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अगला है वेव मोशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, स्पीड ऑफ साउंड, वाइब्रेशन ऑफ एयर, कॉलम दोस्तों सॉरी इसके लिए वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, अगला जो है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, डॉपलर इफेक्ट, म्यूजिकल साउंड एंड अल्ट्रासाउंड, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, गाउस थ्योरम, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ओम ला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिकल सेल, किरचॉफ ला एंड वेट स्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगला टॉपिक जो है अल्टरनेटिंग करंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस एंड बाइलेंस, अगला टॉपिक जो है प्रिज्म एंड स्केटिंग ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद दोस्तों जो है अगला टॉपिक जो है ह्यूमन आइज एंड डिफेक्ट ऑफ विजन, अगला टॉपिक है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, पोलरेशन ऑफ लाइट और फोटोमेट्री, अगला है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर,
अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और स्ट्रक्चर ऑफ ऑटम। अगला टॉपिक जो है दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, 3 से 4 टॉपिक जो हैं। अगला है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन। अगला है सेमीकंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर। उसके बाद दोस्तों है कम्युनिकेशन। दोस्तों एक कम्युनिकेशन का भी एक चैप्टर है, वो भी आपको जो है रीड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, ये तो रहा फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स के अंदर जो है आपसे कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे जा सकते हैं, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों फिजिक्स पीसीएम वाले कैंडिडेट तो अप्लाई करेंगे, उसके अलावा जो है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो है डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर का, वो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों उनके लिए भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस से। तो दोस्तों आप जो है नॉर्मल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा आपका फिजिक्स का सिलेबस। तो दोस्तों मैंने जो है सभी पार्ट का सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद जो है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार जो है चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।